बरेली कस्बे में गत शुक्रवार की रात्रि को अज्ञात चोरों द्वारा दो अलग अलग मकान को निशाना बनाया गया और ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। कस्बे के पीपल वाली गली में स्थित एक सूने मकान में रात्रि करीब 2:30 बजे के आसपास एक बाइक पर सवार होकर आए 3 लोग ताला तोड़कर मकान के अंदर घुसे और चोरी कर ले गए। वही मकान मालिक रूपेश उर्फ निक्कू अपनी पत्नी के साथ भरतपुर पिता की शादी की सालगिरह की पार्टी में गए हुए थे। इस दौरान मकान का ताला लगा हुआ था। वहीं रात्रि करीब 2:30 बजे एक बाइक पर सवार 3 लोग आए, जिनमें से 2 लोग दीवार कूदकर अंदर घुस गए और गेट पर लगा ताला तोड़ दिया और मकान में जमकर तांडव मचाया। कमरे में रखा बेड और 3 अलमारियों का ताला तोड़कर सामान बिखेर दिया। सोने चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए। सुबह जब कॉलोनी के लोग जगे तो गेट खुला हुआ देख परिवार के लोगों को सूचना दी। सूचना पर निकू के परिवार के कुछ लोग मौके पर पहुंचे, जहां सामान बिखरा हुआ देख सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर पुलिस ने घटना स्थल का जायजा लिया है। वहीं रूपेश उर्फ निक्कू भी घर पर पहुंच गए, देखा कि सोने चांदी के आभूषण, जिनमें 1 सोने का हार, 3 सोने की चूड़ियां, 2 कंगन सोने के, कान के 1 जोड़ी सोने के टप्स, 2 सोने की अंगूठी, 2 नथ, 1 सोने का टीका, पुराने चांदी के सिक्के, 4 बिछिया चांदी सहित 1500 रुपए कैश सहित कुल 15 से 20 लाख रुपए की चोरी कर ले गए। वहीं रूपेश उर्फ निक्कू द्वारा खेड़ली थाने में मन्नू पर शक जाहिर करते हुए अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरे में एक बाइक पर 3 लोग सवार होकर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनकी पुलिस द्वारा सीसीटीवी कैमरे के आधार पर तलाश की जा रही है। उधर कस्बे के बाईपास रोड स्थित रामनिवास अग्रवाल के मकान को भी चोरों द्वारा निशाना बनाया गया। चोर रेलिंग कूदकर मकान में घुसे, 2 अलमारियों का ताला तोड़कर सामान को खंगाला। वहीं कुछ नहीं मिलने पर चोर रेलिंग कूदकर फरार हो गए। कितना हुई है सर? आज सुबह सूचना मिली कि थाने पे 6 बजे ये पीपल वाली गली में चोरी हो गई है, तो इस सूचना पर हम मौका देखने आए थे। तो निक्कू कनोप द्वारका प्रसाद खंडेलवाल का घर है, जो वो दिनांक 11 को भरतपुर चले गए थे किसी फंक्शन में, पीछे से कोई नहीं था। उनको पड़ोसियों को पता चला कि मकान का बंदर पर अंदर का खुला हुआ है। फिर इन लोगों ने देखा कि अंदर से कुछ सामान अस्त व्यस्त है, 3 अलमारियों के ताले टूटे हुए हैं। तो जो उनके परिजन यहाँ पर पड़ोस में रहने वाले हैं, उन्होंने बताया कि कोई गोल्ड वगैरह की चोरी हुई है और बाकी जो चोरी हुआ है वो परवादी के आने के बाद ही पता चलेगा। जाँच पता लगा कि सर कितने लोग थे और किससे आए? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। आसपास में ऐसे कैमरे लगे हुए हैं, जैसी स्थिति होगी वो कार्रवाई।